वेलकम स्टूडेंट्स, डिवाइन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आया है। मैं ये देख रहा था पेपर, तो दिखाई दिया कम से कम चार चार बार दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल क्यू इट शॉट टूवर्ड्स अनदर चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू। एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो है दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, हमें लेकर जाना है इस क्यू को, और ये जो कैपिटल क्यू ये फिक्स है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, फिक्स। विद ए स्पीड वी इट अप्रोचेज क्यू अप टू ए क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर। क्यू की तरफ अप्रोच हो रहा है क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर तक, ठीक है, एंड देन रिटर्न्स, उसके बाद रिटर्न हुआ। स्पीड वी के साथ गया, यानी जो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रेस्ट में कब आएगा? रेस्ट में तब आएगा जब ये रेस्ट में आ जाएगा जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, नहीं, और क्लोजेस्ट अप्रोच कितना था? क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर था। कह रहा है यदि इस चार्ज क्यू का स्पीड डबल हो गया, वी की जगह कितना हो गया? टू बी, तो टू बी कर दीजिए। अगर ये टू बी हो गया तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह फोर वी स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर। तो कह रहा है कि अब क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यानी आर, नया आर बन गया, तो नया आर कितना आ जाएगा? के सॉरी क्यू क्यू बाई आर डैश, मान लीजिए इसको, आपको आर डैश निकालना है। अगर हम दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिए सब लोग, ताकि हम आगे रिमूव करके आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अब दोनों इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्या मिला? डिवाइड करने के बाद मिलेगा 1/4, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, दोनों क्यू कैंसिल, तो उधर बच जाएगा 1/r, यहाँ 1/r डैश, तो r डैश ऊपर, तो r डैश कितना आ गया? r/4, ये आंसर हो गया।